फिल्टर करके दिखाएंगे बॉब द फिल्टर। हाँ भाई हाँ। स्कूप मकरोनी कार्टून्स तो हम अपने बचपन में जरूर देखते थे और अभी भी देखते हैं कभी कभार जब भी मौका मिल जाए, क्योंकि पूरी बचपन वही चीज देखकर बीती है, उसे ऐसे ही भूल जाना काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है, उसके साथ ही साथ न्यू कार्टून्स मार्केट में आती जा रही है न्यू एनिमेशंस एंड स्टोरी लाइंस के साथ। लेकिन दोस्तों, कुछ कुछ कार्टून्स ऐसे भी थे उस ज़माने में जिसे लोगों ने बहुत देखना पसंद किया था। और बस इतना ही नहीं, बल्कि इन कार्टून्स के नाम से तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जा चुका है एज द मोस्ट व्यूड कार्टून्स ऑफ ऑल टाइम। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दुनिया के 5 मोस्ट व्यूड एंड अनलिमिटेड वॉच टाइम कार्टून्स के बारे में जिसे हर किसी ने देखना पसंद किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, लूली ट्यून्स 1930 to 1969। दोस्तों, ये एक अमेरिकन एनिमेटेड कंपनी सीरीज है जो वार्नर ब्रॉस के द्वारा रिलीज की गई थी। इनके क्रिएटर्स मैक ब्लैन और चक जोन्स हैं, जिन्होंने बेस्ट एनिमेशन एंड बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स में ऑस्कर विन किया था। और इसके साथ ही साथ लूली ट्यून्स ने 2 एकेडमी अवार्ड्स भी विन किया था। कार्टून्स में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लवेबल हैं। इस कार्टून्स में है बग्स बनी, डैफी डक, पॉकी पिंग, फड, ट्वीटी, सिल्वेस्टर, ग्रैनी, सैम, फॉग हॉर्स, लेगहॉर्न जैसे कैरेक्टर्स हैं। लूली ट्यून्स ने 2 नेशनल अकेडमी अवार्ड्स भी विन किया था, जो कि उस समय की मोस्ट व्यूड कार्टून थी। और एक फैक्ट है दोस्तों इस कार्टून को, कि 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स में इसको रिलीज किया गया था। और अभी तक पूरे दुनिया में ऐसी कोई भी कार्टून नहीं आई है जो सारे कंट्रीज में रिलीज की गई हो। रिलीज होने के बाद लूली ट्यून्स पूरे सुपर डुपर हिट रही हर कंट्री में। नंबर 4, द पिंक पैंथर 1963 to 1980। दोस्तों, ये एक एनिमेटेड सीरीज है जो MGM मेट्रो गोल्डविन मेयर के द्वारा लॉन्च की गई थी, और ये पूरी दुनिया की फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म सीरीज थी। द पिंक पैंथर कार्टून शो एक ब्रिटिश अमेरिकन शो है जिसका मेन फोकस कॉमेडी मिस्ट्री टाइप है। और सच बताऊं तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी सीरीज है। मतलब पिंक पैंथर के एक्सप्रेशन, वे ऑफ डूइंग थिंग्स काफ़ी ज़्यादा अडेप्टिव है लोगों के लिए। अपने दिनों जब पिंक पैंथर रिलीज हुई थी तब वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी, और ये इतना ज़्यादा हिट हुआ था कि पिंक पैंथर के मूवी, गेम, टीवी सीरीज सब मार्केट में लॉन्च हुई थी, जो लोगों ने बहुत पसंद किया था। और इसके साथ ही साथ पिंक पैंथर की फेमस थीम म्यूजिक को ऑस्कर भी मिल चुका है, जो हेनरी मैचिनी ने विन किया था बेस्ट म्यूजिक कंपोज के लिए। पिंक पैंथर की जब फर्स्ट पार्ट आई थी तो बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी। तब द पिंक पैंथर की मूवी आई थी जिसे रिबूट फिल्म सीरीज के नाम से जाना जाता है। मूवी का नाम था द पिंक पैंथर, जो 2006 में लॉन्च की गई थी, और इसका दूसरा पार्ट द पिंक पैंथर 2 2009 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, एट लास्ट ये बोलूंगा इस कार्टून के बारे में कि ये एक लॉन्ग रन कार्टून शो है जो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 3, स्कूबी डू 1969 to 1970। दोस्तों, ये एक अमेरिकन एनिमेटेड शो है जो केवल 1 साल ही चली थी, लेकिन इस कार्टून के व्यू काउंट पूरे अमेरिका में ही लगभग 70 करोड़ थी। दोस्तों, ये कार्टून जोय रूबी और केन स्प्रेस के द्वारा बनाया भी गया था और इन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन भी कराया गया था। स्कूबी डू में अगर हम कैरेक्टर्स को देखें तो जो पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं वो है फ्रेड जोन्स, डैफी ब्लैंक, वेलेमा, शैगी और स्कूबी डू। और एक खास बात इस कार्टून के बारे में ये है दोस्तों, कि इनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें उस साल की बेस्ट एनिमेटेड सीरीज का अवार्ड भी मिल चुका है। हालांकि इस कार्टून के एपिसोड केवल 1 साल ही आई थी, बट लोगों ने इसके रिपीटेड एपिसोड को देखना काफ़ी पसंद किया था। साथ ही साथ 2013 में टीवी गाइड के मुताबिक स्कूबी डू को 5th ग्रेटेस्ट कार्टून का अवार्ड भी मिला। अगर हम लेटेस्ट स्कूबी डू की बात करें तो सबसे लेटेस्ट स्कूबी डू सीरीज का नाम है स्कूबी डू एंड गेस हु, जो कि प्रीमियर की गई थी 27 जून 2019 में बूमरैंग स्ट्रीमिंग सर्विस के द्वारा। वैसे स्कूबी डू की फर्स्ट मूवी 2002 में आई थी और फिल्म ने कुल $275 मिलियन की अर्निंग की थी बॉक्स ऑफिस पर। और उस टाइम बच्चों में इतना ज़्यादा क्रेज आ गया था स्कूबी डू को लेकर, और खबर तो ये आने लगी थी अमेरिका के पेरेंट्स के द्वारा कि उनके बच्चे भी एक डॉग की डिमांड कर रहे हैं जो हूबहू स्कूबी डू के जैसे दिखता हो। तो लोगों ने सेल्स बढ़वाने के लिए किसी भी रैंडम डॉग्स को स्कूबी डू का कलर ब्राउन पेंट करके डॉग्स को सेल करना शुरू कर दिया था, जिससे उस टाइम डॉग सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। नंबर 2, द सिम्पसंस 1989 to 2009।
दोस्तों ये भी एक एनिमेटेड अमेरिकन सिलकॉम सीरीज है जो मैट ग्रोनिंग के द्वारा बनाया गया था और फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। दोस्तों मैं पर्सनली बताऊं तो ये कार्टून बहुत ही ज़्यादा क्यूट टाइप है। अगर आप इसके एक या दो एपिसोड को देखोगे तो आपका इसके और एपिसोड को देखने का ज़रूर मन करेगा। ये सीरीज एक वर्किंग क्लास फैमिली पर बेस्ड है जिसे सिम्पसन्स फैमिली के नाम से जाना जाता है, जिसके कैरेक्टर्स होमलर, मार्च, बार्ट, लिसा, मैगी हैं। इस कार्टून के कुल 684 एपिसोड बनाई गई थी और ये कार्टून IMDb पर हाईएस्ट रेटेड कार्टून्स में से एक है। हालांकि समय के साथ इस सीरीज के डिस्ट्रीब्यूटर बदलते गए और अभी का सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर डिज्नी कंपनी के द्वारा कराया जाता है। इस कार्टून के सबसे अमेजिंग फैक्ट तो ये है दोस्तों कि इसके क्रिएटर मैट ग्रोनिंग का ये कहना है कि सिम्पसन्स के सभी कैरेक्टर्स A to Z उनके फैमिली लाइफ और उनके फैमिली कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब कितना अमेजिंग बात है ना दोस्तों कि किसी के रियल फैमिली को डेली बेसिस पर लोग कितना देखना पसंद करते हैं। नंबर 1, टॉम एंड जेरी 1940 to 1967। पूरे दुनिया की सबसे मोस्ट व्यूड कार्टून है तो वो है टॉम एंड जेरी। दोस्तों ये कार्टून एक फिल्म सीरीज के रूप में रिलीज हुई थी जो अपने कुल 226 एपिसोड के साथ और वो भी 5 कॉन्टिनेंट्स में इसे रिलीज किया गया था। टॉम एंड जेरी को 2 प्रोडक्शन हाउस कंपनी ने मिलकर बनाया था जिसका नाम था MGM कार्टून्स एंड रेब्रैट फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूशन वार्नर ब्रॉस कंपनी के द्वारा किया गया था। कार्टून का कंट्री ऑफ ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स था और लैंग्वेज केवल इंग्लिश में ही इसे रिलीज किया गया था। दोस्तों इस कार्टून को मोस्ट लव कार्टून माना जाता है पूरी वर्ल्ड में और इसके साथ ही साथ टॉम एंड जेरी को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया था कि बच्चे टॉम एंड जेरी कॉस्ट्यूम्स एंड कैरेक्टर मेकअप करना पसंद करते थे। और इसके साथ ही साथ कुछ कार्टून इंडस्ट्री के लोगों ने कोशिश किया था टॉम एंड जेरी से मिलता जुलता कार्टून बनाने का, बट वो ज़बरदस्त फ्लॉप हुई क्योंकि ट्रुथ हैज़ 1 वर्जन बट लाई हैज़ 100 वर्जन। टॉम एंड जेरी इसके साथ ही साथ इकलौती ऐसी कार्टून है जो मोस्ट नंबर ऑफ कंट्री में रिलीज किया गया था और सभी कंट्रीज में यह हिट हुई थी। लेकिन लोगों का सवाल इन बीच में ये आया था कि कार्टून खत्म हो जाने के बाद मतलब टॉम एंड जेरी के क्या अनलिमिटेड एपिसोड्स आएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि फ्रेड कोलंबी जो टॉम एंड जेरी के मेन प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कार्टून के एपिसोड को एक मेमोरेबल एंडिंग कराने के लिए टॉम एंड जेरी दोनों ट्रेन के ट्रैक पर जाकर सुसाइड कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ टॉम एंड जेरी कार्टून एपिसोड का हो जाता है डी एंड। तो ये थे दोस्तों दुनिया के 5 मोस्ट व्यूड कार्टून्स ऑफ ऑल टाइम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल मिस्टर इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इस चैनल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।